भाजपा सरकार के मंत्री बिसाहू लाल सिंह द्वारा राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने से नाराज करणी सेना ने मंत्री बिसाहू लाल का पुतला फूंक कर उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। लगाओ एक ही नाम है बाबा जी सहेब मतलब बताते हैं जो बयानबाजी आए 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 कुछ नेता लोग जिसकी कोई औकात नहीं है जो पैसे के प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है राजपूत समाज की ओर से मांग करता हूँ कुछ तथाकथित नेताओं द्वारा आए दिन वर्ग विशेष को लेकर निरंतर टिप्पणियां की जा रही है। देखिए अभी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने छत्री समाज की महिलाओं के बारे में जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसी से आहत होकर आज हम पूरे राजपूत संगठन छत्री महासभा और सभी राजपूत संगठन आज बिसाहू लाल सिंह का पुतला जला रहे हैं। और बड़ी दुख की बात है, पहले रामेश्वर शर्मा ने सागर में राजपूत समाज के बारे में टिप्पणी की और अब बिसाहू लाल सिंह ने, कहीं ना कहीं ये लोग राजपूत समाज को टारगेट कर रहे हैं। और आज हम इस पुतला दहन और जुलूस के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं शिवराज सरकार को, अगर आगे से आपके किसी मंत्री या किसी विधायक ने राजपूत समाज के खिलाफ कोई टिप्पणी की तो निश्चित तौर पर अगला चुनाव जो 2023 में होने वाला है उसमें उन्हें नुकसान भुगतना होगा। और मैं तो कहता हूँ ये बिसाहू लाल सिंह ने जो छत्री समाज नहीं किसी भी समाज की महिला हो वो सब हमेशा आदरणीय सम्मानी रही है और महिला का सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरीके की बातें निश्चित तौर पर बहुत गंदी नहीं लगता है। ये जो है टीआरपी बटोरने के लिए टीआरपी अपनी बढ़ाने के लिए ही ये ऐसे बयान देते हैं। रामेश्वर शर्मा ने जो बयान दिया उन्हें लगता है कि अभी ऐसा कोई बयान दे दो हमारे पुतले जलेंगे। ज्ञापन दिया गया है राजपूत समाज द्वारा और महाराणा प्रताप विकास समिति द्वारा, ज्ञापन प्राप्त किया गया है, भेजा जाएगा ज्ञापन को। किसके नाम का ज्ञापन दिया है और उन्होंने दिया था? राजपूत समाज के लोग थे, संयुक्त लोग थे, राजपूत करणी सेना और महाराणा प्रताप विकास समिति द्वारा श्री बिसाहू लाल सिंह जी के विरुद्ध ज्ञापन दिया है, जो भी उचित होगा भेजा जाएगा।